देश का मेन उद्देश्य ये है कि आज की जो शासन चल रही है, आज मनुवादी सरकार इस संविधान को बदलने के में लगी हुई है और धीरे धीरे वो बड़ी साइलेंटली कर भी रही है। आज उसके विरोध में ही ये धरना प्रदर्शन है। जितने भी दलित, शोषित और बैकवर्ड और माइनॉरिटी के संगठन है, उन सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने सब ने यही आगाज की कि आज का जो रक्षा हमारी, जो आज बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हम लोग घूम रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं इस देश का हर नागरिक, वो इट इज़ बिकॉज ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। और जब कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई आघात होगा तो सर्टेनली लोगों को यहाँ दिक्कत होगी। स्पेशली वो लोग जो 90% लोग हैं वो संविधान में इसमें विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे पुरखों ने, हमारे बाबा साहब ने इस संविधान को बड़ी ही मेहनत से बनाया और इसमें जो अच्छी चीज़ थी पूरी वर्ल्ड से लेकर के इसमें दी, वही कारण है कि जो आज ये संविधान 70 सालों बाद भी आज एज इट इज चल रहा है। आपने देखा होगा बराबर पड़ोसी पाकिस्तान, वहाँ का संविधान लचर है, वहाँ की गवर्नमेंट रोज आए दिन टोपल होती है, लेकिन इस देश की गवर्नमेंट इस तरह टोपल नहीं, कोई आर्मी का कोई इसको चीप टोपल नहीं कर सकता। ये संविधान समस्त इस देशवासियों के लिए एक बहुत ही, यही आप इसको समझें कि हमारे लिए सबसे बड़ी धार्मिक, हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है पुस्तक या ग्रंथ, हमारा जो ग्रंथ है, हमारा जो सर्वोपरि है वो संविधान है और हम उसमें। जोशी साहब, अभी 2019 का चुनाव आने जा रहा है, ये तो पहले समाज के साथ में इस तरीके के अत्याचार होते रहे हैं, तो ये प्रकाश अंबेडकर जी ने आज ही और अभी ये सिलसिला क्यों उठाया है? देखिए, ऐसा संविधान, जो संविधान पर कुठाराघात है वो अभी शुरू हुआ है। आप ये देखिए कि संविधान पे जो इनके जो मंत्री, आज प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो मंत्री भी, आपने देखा होगा कि आज वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे जी। तो उससे पहले किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे। इसलिए मैं इनको वेलकम करता हूँ इनका, कि वो बाबा साहब के खून हैं और बाबा साहब की जो सोच थी, विचार थी, आइडियोलॉजी थी, उसमें वो भरी हुई है और उनके मातहत ये सारा समाज उनको रेस्पेक्ट करता है। जब तक वो समाज का काम करेंगे और समाज की परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे तो सर्टेनली हम सब लोग उनका साथ देंगे। सर, बाबा साहब का ये पोते हैं तो इसलिए उनका सम्मान सम्मान है या सामाजिक कार्यकर्ता है? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता भी है। उन्होंने अभी कोरेगांव में एक बहुत बड़ा, आपने देखा होगा, विशाल ये हुआ और उसमें अपने भाइयों, दलित भाइयों को बहुत ये वहाँ पर बहुत ही एट्रोसिटीज हुई और उसके खिलाफ इन्होंने जो बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया, वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग थे कोरेगांव में, और उसमें ये हमेशा से ही, ये आज से नहीं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पूरे देश में ये सामाजिक कार्य करते रहे हैं। तो सर, ये मतलब ये कोई पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी में विलय होंगे ये लोग? अभी कोई पार्टी का कोई जिक्र नहीं है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। आज हम जो लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए, ये केवल अपने समाज के बैनर के नीचे इकट्ठे हुए हैं, चूँकि आज सभी भेदभाव भूल करके हमें एक कॉमन कॉज के लिए एक प्लेटफार्म पर आकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अच्छी समझना चाहता हूँ, जिस तरीके से खुली उंगली जो है, मुट्ठी में जो शक्ति नहीं रहती, ताकत नहीं रहती है, ये प्रकाश अंबेडकर जी अलग चल रहे हैं और BSP अलग चल रही है, जिग्नेश अलग, चंद्रशेखर आजाद, ये कैसे एकजुट हो पाएंगे? देखिए, ऐसा है, BSP एक राजनीतिक पार्टी है, वो बहुत दिनों से चल रही है जी। और आपने देखा होगा कि आज अगर हम यहाँ इकट्ठे हुए, एक सामाजिक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए, किसी राजनीति मंच और बैनर के नीचे इकट्ठे नहीं हुए, इसलिए ये सब लोग इकट्ठे फिर कहते हैं कि सत्ता की चाबी हाथ में होगी तभी कुछ बदल पाएगा। देखिए, ऐसा देखिए, एक शुरुआत है, पहले संगठन, आपका संगठन मजबूत हो। अभी ये शुरुआत है, हमें किस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करना, जिस व्यक्ति की वजह से, जिस पार्टी की वजह से आज हम इस कगार पर खड़े, कुछ संविधान की बदौलत, जिसकी बदौलत आज हम जिंदा हैं, उसको चेंज करने की बात आई, इसलिए संगठन की जरूरत पड़ी। फर्दर क्या होगा वो बताया जाएगा, लेकिन जो संविधान चेंज करने की बात करते हैं, पहले हमें उखाड़ने की बात करनी है। चलिए, धन्यवाद।